खबरें आपको विस्तार से दिखाएंगे और आपको बताएंगे सबसे पहले कि आखिरी चरण में काशी सियासत का एपिसेंटर बन चुका है। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं से लेकर कई केंद्रीय मंत्री अब तक वाराणसी में डेरा डाले हुए नजर आए हैं। अब प्लान पर काम कर रहे हैं ताकि वोट प्रतिशत से लेकर के विजय मार्जिन को बढ़ाया जा सके, पिछले दो बार के रिकॉर्ड तोड़े जा सके। तो पीएम मोदी काशी के इर्द गिर्द वाली लोकसभा सीटों पर ही अपने चुनाव प्रचार को आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब माहौल पूरी तरह से चुनावी। अब ये रिपोर्ट आपको समझाएगी वाराणसी का समीकरण क्या कहता है। मोदी की काशी जो सत्ता की धुरी बन गई, वो काशी जो देश की सियासत में हॉट सीट बन गई, वो काशी जो पीएम मोदी के लिए लकी सीट बन गई। काशी का कायाकल्प करने वाले प्रधानमंत्री मोदी एक बार काशी में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए उत्तर प्रदेश के मैदान में उतर चुके हैं। पीएम मोदी काशी में वोट प्रतिशत बढ़ाने के अंतर को बढ़ाने के लिए चक्रव्यूह तैयार कर चुके हैं। काशी के इर्द गिर्द की लोकसभा सीटों को मजबूत करने के लिए रैली और चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बताओ मेरा एक काम करोगे? ऐसा नहीं दोनों हाथ ऊपर करके बताओ। अरे मेरे जिगर के टुकड़े इतने यहां है, जरा दम लगा के बोलो ना। मेरा एक काम करोगे? देखिए, हर गांव में, हर इलाके में देवस्थान होते हैं, तीर्थ स्थान होता है, आप वहां जाना, मेरी तरफ से मत्था टेकना, मोदी की तरफ से, और परमात्मा से आशीर्वाद मांगना है। मांगेंगे, मत्था टेकेंगे, मोदी के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, मोदी के परिवार के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए, विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद चाहिए। दिल्ली की सियासत का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और उसी यूपी के पूरब में है महादेव शिव की नगरी काशी, वो वीवीआईपी सीट जो पूरब पॉलिटिक्स का एपिसेंटर मानी जाती है। यानी जो काशी ने तय कर दिया वो समझिए हो गया। ऐसे में काशी में अब केंद्रीय मंत्रियों का जमावड़ा लग रहा है, हर घर दस्तक देने का प्लान तैयार किया गया है, वाराणसी में वोट प्रतिशत बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं पीएम मोदी का फोकस विजय मार्जिन बढ़ाने पर है, साथ ही बूथ मजबूत करने का भी मकसद है। कभी कांग्रेस सत्ता के मुकाम तक पहुंचाने वाला शहर वाराणसी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे लकी सीट बन चुकी है। वो लगातार तीसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और एक फिर पीएम ने पूरब की सियासी फिजाओं को बदल दिया है। इंडी जमात वाले राम मंदिर को अपवित्र कहते हैं, सपा के नेता राम मंदिर को जाना उसको पाखंड बताते हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, मुझे जवाब देंगे ना आप लोग? राम मंदिर को गाले देने वालों को पूर्वांचल में एक भी सीट मिलनी चाहिए क्या? किसी भी बूथ में उनको वोट मिलना चाहिए? साथियों, इन जमात का अब अगला निशाना हमारे देश का पवित्र संविधान है। काशी का गणित बताता है कि यहाँ हिंदुओं की आबादी 75% है, 20% मुस्लिम है, 5% सभी अन्य धर्म के मानने वाले हैं। यानी काशी हिंदुत्व का ऐसा गढ़ रही है जहां की धमक का असर पूर्वांचल की कई सीटों पर होता है। मिर्जापुर, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर जैसी सीटों पर वाराणसी का रिएक्शन साफ दिखता है। यानी काशी से दिया गया संदेश एक वोटर्स की एक ब्रिगेड तैयार करता है, यानी ऐसी ब्रिगेड जो लहर के साथ चलती है और उसी ब्रिगेड से अब वोट प्रतिशत बढ़ाने की अपील हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।